आज का ये जो सवाल है ये काफी बढ़िया सवाल है। ठीक, ये काफी बढ़िया सवाल है। ये 2000 मतलब ये असली सवाल है जो SBI PO में या IBPS PO मेंस में पूछा जा सकता है। ठीक, बहुत ही बढ़िया सवाल, देखने में डेंजर लग रहा है। ठीक, 12 लोग हैं जो किसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इसको करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप लोग वीडियो पॉज करके सवाल को कर सकते हैं, बाकी लोग जिन्होंने अटेम्प्ट कर लिया उनके लिए सॉल्यूशन मैं करूँ। ठीक, तो अब देखिए 12 लोग बैठे हैं फैमिली में, वो भी 3 जनरेशन की। तो सबसे पहले लिख लेना है 3 जनरेशन, 4 मैरिड कपल। बाप रे, पूरा भरा पूरा परिवार है। 4 तो इसमें कपल ही हो गए, मतलब 8 लोग तो यहीं सेट हो गए, 4 उनके बच्चे होंगे, ऐसा ही अनुमान। ठीक, पैरेलल 3 हॉरिजॉन्टल पैरेलल रो फेसिंग नॉर्थ। अच्छा, तो सबका फेस नॉर्थ की तरफ है, तो ये बहुत बढ़िया है। 1 रो, 2 रो, 3 रो, सब नॉर्थ की तरफ, तो चार चार बैठे हैं। 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हो गए 4 4। 1 मिनट, जरा ऐसे इसको जगह की मेरे को लग रहा कमी ना पड़ जाए कहीं, ठीक है, इसको बाद में बताएंगे बनाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि ऐसा 3 जनरेशन 4 मैरिड कपल। ठीक है, ये अब क्या है, ध्यान से देखिए, जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो हमने जैसे पढ़ना शुरू किया नोट में, क्या है, पर्सन सिटिंग इन रो 1 इज सिटिंग अपोजिट टू द दोस्ट हु आर सिटिंग इन रो 2 एंड रो 3। अच्छा, ये थोड़ा सा यहाँ पे मामला गड़बड़ है। 3 में ये क्या बोलना चाह रहा ना, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा किस चीज के लिए, डिटरमाइनिंग द सिटिंग अरेंजमेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। द रीजन इज दैट यूजुअली व्हाट वी सी, अच्छा कभी कभी मतलब अक्सर हम क्या देखते हैं, मुझे याद आ गया, हिंदी वालों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो कभी कभी हम क्या देखते हैं, 1 के अपोजिट 2 ही होता है, ऐसा ना, आमने सामने। पर ये बोल रहा है ये भी अपोजिट है, समझ रहे हो। जैसे मैंने कोई बोला टी के सामने एफ बैठा है, तो एफ यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, वहां भी यही बोला, सिमिलरली पर्सन सिटिंग, अब रो 2 के तो देखो दोनों अपोजिट है, वो तो बीच की रो है, ठीक है, और रो 3 के लिए भी क्या अपोजिट पर्सन कौन है, जो रो 1 में बैठा है या रो 2 में बैठा, दोनों अपोजिट है, ये ध्यान रखा जा सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान। जब भी ऐसा नया सवाल, आप बहुत सारे लोग इसको पहली बार देख रहे होंगे, तो ये नया सवाल ऐसा देखते हैं तो नोट पढ़ना काफी आवश्यक है। अब मेरे को लगा सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, पर फैमिली भी पहले आ गया, तो जब भी ब्लड रिलेशन फैमिली वाला सवाल रहता है तो पहली प्रायोरिटी अपन फैमिली को देते हैं। क्यों देते हैं फैमिली को, अब देखो, जैसे पहला सवाल है, मदर ऑफ वाई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हर सन। अब उसका बेटा कौन, अब वाई की मदर कौन है, पहले ये सब निकालना पड़ेगा ना, तभी तो सिटिंग में बैठा पाओगे। सही, तो मदर ऑफ वाई, वाई की मदर कौन है, देखो वाई की मदर, ये हो गई वाई की मदर। सिट लेफ्ट ऑफ हर सन, इसका मतलब क्या है, वाई की मदर का सन है। अब देखो दो पॉसिबल सिनारियो, सब चीजें देख लेनी है, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करनी। या तो ये इसका सन होगा या इसका सन कोई और होगा, इसके अलावा दोनों केस हो सकते हैं। आशमा, अगर समझ में ना आए ना कुछ भी तो पूछ लेना, हाँ बीच में, यस हाँ, पूछ जरूर लेना। अब जैसे दो पॉसिबल सिनारी हो सकते हैं ना, कि मदर ऑफ वाई यानी वाई की मदर जो है वो सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हर सन। अभी ये नहीं देखना सिटिंग अरेंजमेंट, बस ये देखना उसका बेटा है। अब उसका बेटा वाई भी हो सकता है और ये बेटी भी हो सकती है, क्या पता कोई और बेटा हो, इट डिपेंड्स। तो यहाँ बना दिया मैंने बेटा, सॉरी, पॉजिटिव। अच्छा, पॉजिटिव से मैं मेल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, इतना तो समझ ही आ गया होगा। ग्रैंडफादर ऑफ टी सिट अपोजिट टू आर, इसका मतलब टी के ग्रैंडफादर है। लो भाई, टी के ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर कैसे हो सकते हैं, मम्मी के पापा भी हो सकते हैं और पापा के पापा तो होते ही। वाइफ ऑफ जेड सिट अपोजिट टू द फादर ऑफ वाई, अच्छा, तो इसका मतलब वाई का कोई फादर भी है। देखो जिक्र आ गया ना वाई के फादर का, और वाइफ ऑफ जेड, और जेड की वाइफ है, तो जेड क्या होगा, मेल होगा, तभी उसकी वाइफ होगी। सही, अभी सिटिंग में ध्यान नहीं देना। एक्स इज मैरिड टू द फादर ऑफ डब्ल्यू, अच्छा डब्ल्यू के फादर की शादी एक्स से हुई है, तो एक्स कौन होगी, फीमेल होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, डब्ल्यू के फादर की शादी एक्स से होती है, ठीक है, ऐसा लिखा है। ओ इज द फादर ऑफ एक्स, वाह, अरे ये तो पूरा ही, अब ये बढ़ता जा रहा है, तो एक काम करता हूँ, क्या पता यही हो पूरा, इसको मैं यहां बना लेता हूँ बीच में थोड़ा, देखते हैं ना, क्या पता ये यही आंसर हो। अच्छा, एक जनरेशन ऊपर ही बैठेगी,
थोड़ा सा मैं इसको, एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको यही बना लेता हूँ, ये मिटा देता हूँ। जगहों की काफ़ी किल्लत का सामना करना पड़ा, ठीक, और कोई बात नहीं, झेल लेंगे। तो देखो W, नहीं W इतना ऊपर नहीं बनाया जा सकता। तो W को थोड़ा नीचे रख दिया, इसके ऊपर ये पॉजिटिव और ये X, सही है भाई, ये दोनों हो गए। अब क्या बोल रहा है, ठीक हो गया, ये तो हमने रख दिया। अच्छा अब यहाँ पे क्या था, O इज द फादर ऑफ X, O इसके भी फादर, लो भाई O इसके फादर है, ठीक है। तीन जनरेशन फोर मैरिड कपल, ठीक है, ये मिटा देते हैं, जगह बिल्कुल घेर रहा है, ठीक हो गया, इतना हो गया। अब ध्यान से देखो, ओ इज द फादर ऑफ एक्स, हो गए ओ फादर, एंड जेड, जेड के भी फादर। अच्छा, एक जेड भी है। अब जेड का जेंडर अभी तक तो पता नहीं, पर देखते हैं। हु इज द फादर ऑफ टी, अरे वाह, मतलब एकदम से ये इसका फादर है, ठीक है ठीक है। अब क्या बोल रहा, जेड और टी, अच्छा जेड की वाइफ भी है, जेड का जेंडर पता है ना सो? जेड का जेंडर पता लग गया ना कैसे, हु इज द फादर ऑफ टी, ऐसे पता लगा, ठीक है। और जेड की वाइफ भी तो हाँ जेड की वाइफ भी, ऑब्वियस सी बात है, वैसे ही पता। यू इज दी, हाँ यू इज ओनली सन ऑफ, यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हर फादर, तो यू का एकमात्र बेटा है, ठीक है, पर बेटी हो सकती है, सन एक है, तो यहाँ लिख लेता हूँ ओनली सन, ताकि शक ना रहे बात, ठीक। एस सिट्स, इससे कोई मतलब नहीं है, एस सिट्स नीदर इन रो वन नॉर अपोजिट टू द मदर ऑफ जेड, तो जेड की कोई मदर है, वाह, तो जेड की मदर कौन है, यहाँ आ जाएगी, जेड की मदर पिक्चर में आ गई, ठीक है, सही। ब्रदर ऑफ एस डज नॉट सिट एडजेसेंट और अपोजिट टू हिज फादर, इसका मतलब एस का एक भाई है, ठीक है, और उसके पापा है। अब देखिए, इस कभी लड़कों का अक्सर रहता, थोड़ा पिताजी से उनका 36 का आंकड़ा रहता है, ये आदमी का भी यही हिसाब किताब है, ठीक है, बैठ ही नहीं पा रहा है अपने पापा के बगल में, कोई बात नहीं। लेकिन अब एस अपने, अच्छा इससे तो हमें अभी बैठाने से तो कोई मतलब नहीं, देर आर इक्वल नंबर, अच्छा 6 मेल है 6 फीमेल है, बहुत ही बढ़िया, बैलेंस फैमिली है, पहले से ही लग ही रहा था इनका सब बैलेंस ही लग रहा था मुझे हिसाब किताब, ठीक है। आर इज मैरिड टू क्यू, आर की शादी क्यू से हुई है, अच्छा क्यू दिख रहा कहीं, कहीं नहीं दिख रहा, ये क्यू पहले भी नहीं आया। अच्छा कुछ चीजें मैं मिटा लूं जो हमने पहले रख दी, जैसे ये हमने पहले रख दिया जगह बनाने के लिए, ये भी हमने पहले रख दिया। आर की शादी क्यू से हुई है, अच्छा आर इज मैरिड टू क्यू, एक और कपल मिल गया, वाह। हु हैज ओनली वन चाइल्ड, इनका एक ही बच्चा है, ओनली चाइल्ड, यस। अब देखो, ओ एंड क्यू बिलोंग टू फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट मतलब ऊपर, अब ओ टॉप में तो क्यू भी यही होगा, अच्छा इसका मतलब आर और क्यू यही होगा। अब आर और क्यू देखो क्या हो सकता है, या तो इसके माँ बाप हो जाए इस वाले के, या इस वाले के माँ बाप हो जाए, तो आर और क्यू भी यही आना है, ये अभी ऐसे ऐसे लिख देता हूँ मैं, कहीं भी आ सकते हैं, यहाँ भी यहाँ, ठीक। थ्री कपल हैव टू चिल्ड्रन, तीन कपल के दो बच्चे हैं। अब तीन कपल देखो, एक कपल का तो एक बच्चा ये हो गया, और चार ही कपल है तो इसके दो बच्चे दिख रहे हैं एक्स और जेड, अच्छा तो इसका एक बच्चा और इसका एक बच्चा, क्या ये बात समझ में आई भाई, तीन कपल है ना, 1 2 3, इनका एक बच्चा और टोटल चार है, आर और क्यू एक ऐसा कपल होगा जिनका एक ही बच्चा है, ठीक है, तो इनके अभी एक एक बच्चा हो रहा है। अब देखो ध्यान से देखना, 1 2 3 4 तो नीचे आ गए, 5 6 7 8 ये हो गए, 9 10 11 12, पूरे 12 हो चुके, ठीक है, तो एक हिसाब से हमने ब्लड रिलेशन का ट्री तो तैयार कर लिया पूरी तरीके से, अब बस हमें आदमी वहां पे व्यक्ति बैठाने, सेट करने, तो देखते हैं देखो, ठीक है। P इज द ग्रैंड मदर ऑफ बोथ V एंड S, P दादी है V और S की, दोनों की है, V की भी है S की भी है। अब ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, P दादी है V और S की ना, P दादी है तो यानी P के मम्मी या पापा V और S होंगे, लो भाई यहाँ आ गए, तो ये हो गई दादी फीमेल। Y एंड Q आर मेल, Y भी मेल है और Q भी मेल है, अच्छा ठीक है, दोनों मेल है।
अब मेरा ये सवाल है, पी दादी है ना, कहाँ आ सकती है पी? दादी कहाँ आएगी, जगह किधर है दादी की? एकमात्र जगह यही बची, बताओ सही है? एकमात्र जगह यही तो बची है, और कौन सी जगह बची दादी के लिए? तो ये आ गई हमारी दादी। अब इसका मतलब वो वी और एस की दादी है, इसका मतलब क्या है? अब देखो वी और एस यहाँ आ सकते हैं, एस और वी यहाँ आ सकते हैं, क्या है? सही है, बिल्कुल यही आएंगे, और कहाँ आएंगे, जगह किधर है? 12 तो वैसे ही पैक हो गए पूरी, ठीक, तो दादी तभी बन पाएगी। वाई एंड क्यू, वी हु इज द ब्रदर ऑफ टी, वी भाई है टी का, ठीक है, सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी से हमें कोई मतलब नहीं है, वी टी का भाई है। अच्छा, वी टी का भाई है, तो बताओ वी कहाँ आएगा? आ गया वी, वी को यहाँ लिख दिया, जैसे ही वी यहाँ आया तो टी ये यहाँ आ गया, तो वी टी का भाई है, तो वी तो प्लस आ गया और एस इधर आ गया पक्का, ठीक। पी सिट्स इन रो थ्री, उससे कोई मतलब नहीं है, वाई सिट अपोजिट टू, इससे भी कोई मतलब नहीं है, क्यू डज नॉट सिट, डब्ल्यू डज नॉट सिट एडजेसेंट टू द फादर ऑफ जेड, तो जेड के फादर के बगल में डब्ल्यू नहीं बैठ, ठीक है, ये हो गया काम। अब अपने को इतने लोग और बैठाने हैं, सब जो तामझाम। अब तुम मुझे एक बात बताओ, ठीक है, बचा क्या क्या? दो चीजें बच गई हैं शायद, एक तो वाई बच गया है और एक क्यू बच गया, यही दोनों तो बचे, सही? नहीं, क्यू तो ऊपर है। हाँ, अब देखो वाई बचा है और क्यू ऊपर है। अब मेरे को एक बात बताना, तुम क्यू तो मेल हो गया क्योंकि बोला है क्यू मेल है, ये चीज दिख रही है, ठीक है, क्यू मेल हो गया, अब वाई भी मेल होगा, अब मुझे बताओ वाई कहाँ आना चाहिए? अगर वाई मेल है तो बच्चा बच्चा जानता है वाई यहीं आएगा, क्योंकि वही है जगह मेल की, तो ठीक, तो आर फीमेल हो गई। अब देखो मेरा क्या कहना है, ठीक है, अब यू कहाँ आएगा फिर? फिर यू कहाँ आएगा? अब तो एक ही बचा है यू, यू आएगा यहाँ, और क्या बोला है? यू का एक ही सन है, देखो पढ़ो, यू का ओनली सन, तो ये क्या होगी? डॉटर। क्या बात समझ में आई? ठीक, तो बिल्कुल बढ़िया। डब्ल्यू भी तो सन ही हैं, होगा। बोलो, डाउट पूछ लो पहले। हाँ बताओ, नहीं, डाउट नहीं बता रहे कि फिर डब्ल्यू भी तो सन हुआ ना, एस का भाई है ना एक कहाँ पे लिखा है ऐसा? नीचे। हाँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ, मैं वो करने वाला था, ठीक है, डब्ल्यू लड़का है, ठीक है, एस का, सही हो गया, तो मतलब डब्ल्यू लड़का हो गया, सही बोला बिल्कुल तुमने। आर और क्यू का जेंडर भी अपने को पता है, तो एस लड़की होगी, क्यों? देखो लड़के तो छह पहले हो गए, 1 2 3 4 5, और छठा क्यू, तो एस को लड़की होना पड़ेगा, ठीक है। लो एक और एडवांस चीज जो तुम्हें नहीं दिख रही होगी, एस लड़की होगी, लो ये भी, क्योंकि 6 मेल मेल 6 फीमेल, इसको भी मिटा दिया जाए, ये भी किसी काम का नहीं है। टी की दा ठीक है दादाजी, इसको भी मिटा दिया जाए। अब बचा आर और क्यू, किसका किसके फादर है? ध्यान से समझना, वाई के मम्मी पापा का जिक्र है कि नहीं? वाई के मम्मी और पापा का जिक्र है, तो वाई के ही मम्मी पापा हैं आर और क्यू, सही है, ये बात आई समझ में? ठीक है, आर और क्यू, क्यू मेल है आर फीमेल है, ये हो गए वाई के मम्मी, क्योंकि वाई के मम्मी और पापा का, और वो एकमात्र लड़का है, तो थाई आर और क्यू का एकमात्र चाइल्ड है वही है, और वो लड़का ही है, ठीक, तो चाइल्ड ही एक होगा तो वो तो वही है। लो भाई पूरा ब्लड रिलेशन बढ़ गया, 50% काम, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब तो सिटिंग अरेंजमेंट होता है हल्लू, इसका सिटिंग अरेंजमेंट बैठाना कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। बहुत सारे लोग कहेंगे टाइम लग रहा है, हाँ टाइम तो लगेगा भैया, मेंस की पजल है ये, और समझाना भी है, मैं बनाता तो हाँ, मैं मेरे को बनाने में लगते लगभग लगभग 8 7 8 मिनट के आसपास, 10 भी लग सकते थे, ऐसा नहीं है मैं निंजा आदमी नहीं हूँ, 5 मिनट में नहीं बना सकता, ठीक है, पहली बार देख के तो मुझे नहीं लगता कोई भी 5 मिनट में बना सकता, क्योंकि बना ही लेता तो फिर SBI टॉपी मान लेता, मतलब अगर हम 10 मिनट में भी पजल बनाए, ठीक है, मैं तो 10 कह दे रहा हूँ चलो, तो इसका मतलब 60 मिनट होते हैं, तो 6 पजल बन जाएगी, एक पजल में कितने क्वेश्चन होते हैं? 5 या 5 या 4 या 4, मतलब 5 लें तो 30 नंबर आ जाए, बाप टॉपर होता है 30 में, ठीक है, मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, और ये आ जाए 24 तो 24 में भी टॉपर ही है, ऑब्वियस सी बात है ना, अगर चारों सेक्शन में 30 ही आ जाए तो 120, और कट ऑफ होती है 90 के आसपास, ठीक है, 90 95, इतने में तो पक्का सिलेक्शन, 10 मिनट भी बनाना यही टैलेंट है, ना सोचे आप मैं 5 मिनट में बना दूंगा, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आई हो भी सकता है। अब ये है देखिए, मदर ऑफ वाई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हर सन,
तो वाई की मदर कौन है? अब थोड़ा देखना मुश्किल है, वाई की मदर कौन है पहले देखो। वाई की मदर आर है, वो अपने सन के सेकंड लेफ्ट में बैठी है, तो उनका सन कौन है? वाई। तो ये बैठ गए भैया उसके सेकंड लेफ्ट में। डॉट ग्रैंडफादर ऑफ टी इज अपोजिट टू आर। अच्छा, ग्रैंडफादर ऑफ टी, टी के दादाजी कौन है? ओ, ये इसके अपोजिट बैठे हैं। वाइफ ऑफ जेड सेट, अब ये फटाफट करना है। वाइफ ऑफ जेड, जेड की वाइफ है यू, यू बैठी है अपोजिट टू द फादर ऑफ वाई, वाई का फादर कौन है? क्यू। तो ये बैठी है क्यू में, बट नॉट इन रो वन और रो थ्री, ना ही रो वन में है ना ही रो थ्री में, तो रो टू में होगी, बच्चा बच्चा जानता है गली मोहल्ले का। अब इसका मतलब क्या होगा, ये क्यू किस में होगा? या तो वन में या तो थ्री में, तभी अपोजिट हो पाएगा, ऑब्वियस सी बात है। एक्स इज मैरिड, ये किसी काम का नहीं। ओ इज द फादर ऑफ एक्स एंड जेड, ये भी किसी काम का नहीं। ओनली सन ऑफ यू, यू का एकमात्र लड़का जो वी है, सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हिज फादर। वी जो है यू का एकमात्र लड़का, ओनली सन ऑफ यू, सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हिज फादर, तो उसके फादर कौन है? जेड। तो जेड के इमीडिएट लेफ्ट वी बैठेगा, ठीक है। एज सिट्स नीदर इन रो वन नॉर अपोजिट टू मदर ऑफ जेड, तो मदर ऑफ जेड मतलब पी के अपोजिट नहीं बैठेगा और ना ही वन में बैठेगा, दोनों काट दी, ठीक है। हाँ ये हो गया, चलो बढ़िया। अब देखते हैं, ये हो गया एस, ठीक है। ब्रदर ऑफ एस डज नॉट सिट एडजेसेंट और अपोजिट टू हिज फादर, ठीक है। एस का भाई, एस का भाई कौन है? डब्ल्यू। ना ही वो वाई के सामने ना ही एडजेसेंट, गजब खार में है ये आदमी, ठीक है। पापा से अपने होता ही है, ऐसी बात नहीं, आजकल बहुत हो जा रहा है, लड़कों की खार बढ़ जा रही है। लड़कों का प्रेम थोड़ा मम्मी से ज्यादा रहता, पैसे मम्मी दे देती है ना इमरजेंसी। चलो, लड़कियों का प्रेम पापा से रहता है क्योंकि मम्मी तो फिर उनके लिए, ठीक है। सेम जेंडर रिपेल्स, ऐसे एक थ्योरी निकाल सकते, तो पजल देखते हैं, ठीक। अब क्या है, फिर बाद में महिला, महिलाओं का, वैसे भी महिलाओं से 36 का आंकड़ा होना नॉर्मल सी बात है, क्योंकि सास बहू, ठीक है, देवरानी जेठानी, मतलब रिश्ते कैसे, ननद और भाभी, मतलब 36 का आंकड़ा उनका भी, अच्छा सबका नहीं होता, मतलब मोस्ट ऑफ द, सास बहू में तो 100%, ठीक है। तो ये हो गया, हाँ ये सवाल भी करना है, ऐसी बात नहीं, 9 बजने वाला है। मैं खो जाता हूँ ना इन सब, ऐसी बातें आती हैं। एस, ठीक है, एस सिट्स नीदर इन रो वन नॉर अपोजिट टू मदर ऑफ, ये ब्रदर ऑफ सेट, हाँ दे आर इक्वल नंबर, इससे कोई मतलब नहीं। इससे भी कोई मतलब नहीं। ओ एन बिलोंग, इससे भी कोई मतलब नहीं। टू चिल्ड्रन, पी इज द ग्रैंड मदर, वाई इज द क्यू में, अरे कहाँ गया वी। हु इज द ब्रदर ऑफ टी, सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, तो पी के सेकेंड लेफ्ट में, थोड़ा यहाँ बनाता हूँ, वी पी के सेकंड लेफ्ट में बैठा है। वी ये कार्ड देना, किसी काम का नहीं है। वी हु इज द ब्रदर, सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी सिट्स इन रो थ्री, वाह पता लग गया, रो थ्री में बैठा है मुन्ना अपना। बस जैसे ये पता लगने की देर थी बस, अब क्या है, अब तो मतलब इसी पल का मुझे इंतजार था, ना ऊपर ही बनाया ना सही से, ना नीचे ही बनाया, बीच में बना दिए करो, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ बना दिए, इसको थोड़ा यहाँ, और इसको थोड़ा यहाँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे दो केस भी बन सकते हैं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर मैं, कोई बात नहीं, मैं दो केस बनाऊंगा ही नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। पी को यहाँ बना दिया क्योंकि रो थ्री यही है, 1 2 3। कोई आदमी ये सोचेगा निंजा तरीके से आपने कैसे कर दिया, मैंने आप पढ़ लिया था, देखो रो वन इज इन द नॉर्थ ऑफ रो टू एंड विच इज इन द नॉर्थ ऑफ रो थ्री, ठीक है। बोलो, सबका लेफ्ट इधर है राइट इधर है, थोड़ा और खतरनाक सवाल बन सकता था अगर ये भी कर देते तो झोल, लेकिन ऐसा किया नहीं, अच्छा। तो वी और पी तो यहाँ आ गए, अगर ये इससे आंसर नहीं आया तो पी और वी को फिर यहाँ रखूंगा, क्योंकि दो ही केस हो सकते हैं। अच्छा यहाँ, अच्छा कुछ और भी लिखा है, वाई सेट अपोजिट टू पी, अच्छा, ये भी बोल दिया। एंड इमीडिएट राइट ऑफ एक्स, अच्छा एक्स के इमीडिएट राइट में बैठा है। क्यू डज नॉट सिट ऑन रो वन, बाप रे क्यू भी डिमांडिंग है, तो रो वन में नहीं बैठेगा तो थ्री में बैठेगा। डब्ल्यू सिट डज नॉट सिट एडजेसेंट टू हिज फादर, हाँ तो डब्ल्यू की अलग लेवल की लड़ाई चल रही, मतलब डब्ल्यू यहाँ भी आया था, ठीक है, अपने पापा के बगल, अच्छा डब्ल्यू डज नॉट सिट एडजेसेंट टू फादर ऑफ जेड, अच्छा, डब्ल्यू ओ के बगल में भी नहीं बैठे, गजब, ओ के फादर ना, मतलब देख रहे हो, मेल को देख के बिल्कुल पागल हुआ पड़ा है, बोलो बैठूंगा ही नहीं मैं इनके बीच में, ना पापा के बगल में बैठ रहा है ना दादाजी के बगल में, इसकी भी गलत गजब लेवल की लड़ाई चल रही है। अब देखो वाई यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, रो का नाम लिख के कोई फायदा नहीं, सबको पता है 1 2 3 है, खाली जगह घेर रहा है, ठीक है। दादाजी नहीं, नाना हाँ तो अब देखो पी के सामने वाई, ठीक है, वाई है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता हुआ है, ठीक है, दोनों जगह वाई हो सकता है, ऐसी बात नहीं, तो एक जगह हमको बनाना पड़ेगा पहले, तो पहले क्या करते हैं, पहले उसको यहीं बनाते हैं, हाँ नीचे, तो ये वाई हो गया भाई, पी वी वाई, सही। अब यहाँ जब वाई हुआ ना,
समझने की बात ये है कि थोड़ा सा यार, अगर ना हम इसको थोड़ा सा 1 मिनट दो, उसमें अगर तुम 1 मिनट दे दोगी तो शानदार बन जाएगी। क्योंकि ऐसे में तो क्या हो सकता है कि मोबाइल में दिख ही ना रहा हो, इसकी भी संभावना है। हम थोड़ा सा निंजा बन जाएंगे, थोड़ी सी जगह और ज्यादा ले लेंगे। यहाँ ये जम के बड़ा बड़ा, ये बड़ा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब सबको दिखेगा। अब इसमें लाल पेन से रख लेता हूँ, तो पी इधर, वी इधर, ठीक है। तो वाई अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो एक्स ऑब्वियस सी बात है यहाँ आएगा। अब देखो यू को तो यू के सामने क्यू है, तो यू सेकंड में है तो इसके सामने क्यू आ गया, ठीक है। अब इसके सामने क्यू आ गया, और एस ना पी के, एस पी के, एस फर्स्ट रो में तो नहीं बैठा, और नीचे वाली रो फर्स्ट है ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। नो अच्छा वो ये फर्स्ट ऊपर वाली, ये 2 है और ये 3 है। तो एस यहाँ नहीं बैठा कहीं, और एस पी के सामने भी नहीं बैठा, तो इसका मतलब अच्छा वाई से एक छोड़ के आर है, और आर के सामने ओ है। अब इसका मतलब एस तो आ ही नहीं सकता कहीं। देखो एस इस रो में बैठा नहीं, एस पी के सामने भी नहीं बैठा। हाँ आ सकता, एस आ गया यहाँ पे, देखो एस पी के सामने नहीं बैठा ना, बगल में तो बैठ ही सकता है, कोई दिक्कत की बात। पर अब गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? ये डब्ल्यू को बैठना पड़ेगा भाई, या तो डब्ल्यू को वाई के सामने बैठना पड़ेगा या ओ के बगल में बैठना पड़ेगा। अब ये तो उसे बर्दाश्त ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? अब जैसे इसमें पूरी गड़बड़ कहाँ हुई, या तो पी वी से हो रही होगी या वाई और एक्स से हो रही होगी। तो अब मैं पहले क्या करूंगा, वाई एक्स को मिटा के देखूंगा, क्या पता वाई एक्स से हो रही हो, ठीक है। अगर अब भी सही नहीं हुआ तो फिर मैं पी वी को यहाँ ले आऊंगा, तो आपको केस बनाने पड़ेंगे। वाई यहाँ आ गया, वाई यहाँ आ गया, तो एक्स यहाँ आ गया, कोई कोई टाइम नहीं लगना, बिल्कुल फटाफट हो जाएगा। नहीं, हाँ क्या ये मतलब क्या है, पी के सामने क्या था, पी के सामने वाई था ना, ऐसा था, और उसके बगल में था ना एक्स। हाँ उसके बिल्कुल बगल में, ठीक है, एक्स के राइट में वाई है, बेसिकली ये हो गया, ठीक है। अब ये हो गया अपना। अच्छा एक और खासियत है यहाँ, यहाँ यहाँ ये आ ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि वी के बगल में जेड आए, ये यही समझ जाना चाहिए था हमको। ये देखो वी के बगल में जेड आए, तो वो केस बनता ही नहीं, ठीक है। वी के बगल में जेड को आना है, एक्स और वाई आ गए, सही हो गया। अब एस पहली रो में तो आ ही नहीं सकता, तो बढ़िया हो गया। अच्छा क्यू यही आना है, क्योंकि क्यू थर्ड रो में, उसके सामने यू आना है, पी के सामने एस नहीं आ सकता, तो एस इन दोनों में कहीं आ सकता है। अभी देखते हैं एस कहाँ आता है। अच्छा वाई और आर को भी निपटाना है, तो आर यहाँ आ गया, इसके सामने ओ आ गया, तो एस को यहाँ रख दिया, क्योंकि पी के सामने तो एस नहीं आ सकता। अब डब्ल्यू ना वाई के बगल में आएगा तो यहाँ नहीं आ सकता डब्ल्यू, और ना ओ के बगल में, ना वाई के सामने भी नहीं आएगा डब्ल्यू। बाप रे, डब्ल्यू की रंजिश अलग लेवल की। डब्ल्यू यहाँ आ गया, अब क्या बच गया, एक बच गया होगा टी, वो यहाँ है, ठीक है। डोंट बी डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू नहीं होना, ठीक है, आ गया आंसर। क्या आपको ये समझ में आया, बताइए भाई आसमा जी, क्या ये सवाल कठिन था? हाँ और क्या, इसको भी आसान कह देंगे क्या फिर एग्जाम में? देखिए अभी क्या, एक बार सॉल्व कर लिया तो लग रहा है हाँ अब क्या ठीक है, लेकिन एग्जाम में पहली बार ये इसको कर पाना, ये थोड़ा मुश्किल, ठीक है। इसीलिए क्या है, यही सब पजल आती हैं SBI PO और IBPS PO में, वहाँ लेवल इसीलिए टफ होता है ना, इसीलिए कट ऑफ कम रहती है। ठीक है आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, तुम्हारी आगे भी क्लास है। ओके आशमा बाय, ठीक है। वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है, यूट्यूब में, वहां से देख लीजिएगा, ठीक है, अगर डाउट रहता है तो। और 3 4 5 7 दिन के बाद जब भूल जाओगी ना इतनी सब कहानी, या 15 दिन का, तो फिर से ट्राई करना, ठीक है। ओके बाय।